नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी YouTube चैनल इंडियन टेक्सटबुक में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लॉग क्या होता है और हम लोग कैसे ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लॉग होता क्या है। तो ब्लॉग समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम एक बुक का एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बुक में क्या होता है, बुक किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर लिखी जाती है और उससे रिलेटेड उसमें चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं बुक में। अब सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ब्लॉग का। ब्लॉग में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाई जाती है और उससे रिलेटेड उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक ब्लॉग बना दिया, अब उससे रिलेटेड आप पोस्ट कर रहे हैं। ब्लॉग आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं, जैसे कि कॉमेडी हो गया, आप जोक्स लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, आप शायरी वगैरह लिख सकते हैं, और अगर आप अच्छे पोएम्स भी लिख लेते हैं तो आप वो भी वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ब्लॉग में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर आपको कमेंट्स भी देखने मिलेंगे। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से ब्लॉग बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक ट्यूटोरियल दिखाऊंगा जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊंगा जिससे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक नया अकाउंट बना के दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ब्लॉग्स बना सकते हैं, उसमें कैसे पोस्ट कर सकते हैं, और चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना पीसी का ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक अपना ब्लॉग दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। तो मेरा जो ब्लॉग का URL है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। एंटर करते हैं, अभी मेरे जो ब्लॉग की जो साइट है वो खुल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो जो पोस्ट किया है वो सब यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आप किसी में भी रीड मोर करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर इसमें रीड मोर करते हैं, तो ये वाली साइट खुल, ये वाला जो ब्लॉग है मेरा ये खुल जा रहा है। ठीक है, तो ये ब्लॉग बनता कैसे है, तो सबसे पहले हम एक साइट ओपन करेंगे जिसका नाम है blogger.com। ठीक है, तो जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट ब्लॉग पे। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन करने के लिए कहा जाएगा आपके गूगल अकाउंट से। ठीक है, तो जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम दिखाना है कि आप जब ब्लॉग डालोगे तो आपका नाम उस टाइम क्या दिखना। मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। ठीक है, तो नाम डाल के आपको यहाँ पर क्लिक करना है कंटिन्यू टू ब्लॉगर में। इस बटन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइटल भरना है कि आप अपने ब्लॉग का नाम क्या रखना चाहते हो, आप किस चीज़ के ऊपर आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हो, आप वो रखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्लॉग बनाना चाहता हूँ तो मैं इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव टेक मैंने इसका नाम रख दिया अपने ब्लॉग का। और यहाँ पर आपको क्रिएट करना है अपने ब्लॉग का एड्रेस यानी कि URL। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया indiantextmate.blogspot.com और यहाँ पर दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी अपना थीम चूज़ कर सकते हैं पहले से, तो आपको जो पसंद आए वो आप कर सकते हैं। चलिए मैं ये थीम चूज़ करके क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा आपके सामने, ये आपको बोलेगा कि अगर आप एक डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर डाला था indiantextmate.blogspot.com, लेकिन वहाँ पर से अगर आपको .blogspot को हटाना है, क्योंकि आपका अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट और प्रोफेशनल दिखे, तो आप .blogspot को हटा सकते हैं। तो .blogspot को हटाने के लिए आपको एक डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पर हम उसके लिए पे नहीं करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट जैसा वैसा रहने देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम नो थैंक्स पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब ब्लॉग बन चुका है और ब्लॉग में हमारा कोई भी पोस्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमें कुछ पोस्ट करना है तो यहाँ पर हम न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर हम न्यू पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक एडिटर खुल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर एक एडिटर खुल गया है। और अब यहाँ पर कुछ टाइटल डाल सकते हैं, आप किस चीज़ के ऊपर आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ e-commerce के बारे में। ठीक है, तो टाइटल मैं वही डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने टाइटल डाल लिया, अब यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ पर आपको नॉर्मल लिखा हुआ ड्रॉप डाउन मेन्यू एक मिलेगा, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स सेम, तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं।
ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर आप इसको सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो ये जो आप देख सकते हैं सेंटर पे अलाइन हो गया है। अब मैं यहाँ पर जो है कंटेंट जो है वो टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जो अपलोड करने वाला हूँ वो कंटेंट मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब हम चाहते हैं यहाँ पर अगर कोई आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप अपलोड कर सकते हैं, चूज़ फाइल्स में जाएँ, उसके बाद आप वीडियोज़ इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो यहाँ पर अपलोड करना है तो आप यहाँ पर देख सकते, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप अपलोड भी कर सकते हैं या फिर YouTube की कोई वीडियो यहाँ पर उठा के उसका लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्लॉग जो है वो अपना जो ब्लॉग के लिए जो है वो मैंने पोस्ट बना लिया। अब हमें इसे पब्लिश करना है, ठीक है। तो पब्लिश करने के लिए हम इस पब्लिश वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक पोस्ट आ चुका है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, जो कि मैंने अभी अभी बनाया है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो वापस आप वही पेज पे चले जाओगे जहाँ पर आप एडिट कर रहे थे, ठीक है। तो आप अपना पोस्ट यहाँ पर से कभी भी एडिट कर सकते हो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये वेबसाइट पे कैसा लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। आप चाहें तो इसका थीम चेंज कर सकते हैं जिससे कि ये काफ़ी अच्छा दिखे। तो थीम चेंज करने के लिए आप ये थीम वाले ऑप्शन पे जाएं और इसके बाद यहाँ पर काफ़ी थीम्स है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला थीम चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये थीम चूज़ करने के बाद आपको जो पसंद आए आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अप्लाई टू ब्लॉग पे क्लिक करें, ठीक है। थीम अप्लाई हो गया है। आप लेआउट पे अपने पेज को और भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर फेविकॉन का आइकन दिख रहा है, इस आइकन को हम फेविकॉन बोलते हैं, तो इसके जगह आप अपना कस्टम आइकन भी डाल सकते हैं, अपना कस्टम लोगो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप ब्राउज़ करके एक नया अपना डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है जो कि आपके वेब पेज पर आएगी, आपके ब्लॉग पर आएगी। आप इसे अच्छे से देखिए और उसके बाद अपना पेज आप अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सेटिंग। अब यहाँ पर सेटिंग में आप बेसिक का जो ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पर आप बेसिक सेटिंग मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो टाइटल आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। बाकी सब तो ठीक ही है, यहाँ सब कुछ ठीक ही रहता है। और यूज़र सेटिंग्स में आप डायरेक्ट आएंगे आप, और यूज़र प्रोफाइल में आप जाके एडिट करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर से आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो डाल सकते हो। अगर आप ब्राउज़ पे क्लिक करो तो फिर आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप जेंडर डाल सकते हो, यहाँ पर और भी अपने बारे में आप इन्फॉर्मेशन डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं भी आपको डालना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेव प्रोफाइल पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको फिर से अपना ब्लॉगर वाला जो है वेबसाइट आप खोल सकते हैं। बस टाइप कीजिए blogger.com, ठीक है। blogger.com टाइप करने के बाद मेरा जो पोस्ट आया, अभी मैंने इसमें कुछ थीम अप्लाई किया था, उसे हम देख लेते हैं अब कैसा लग रहा है हमारा ब्लॉग, ठीक है। तो ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कोई भी ब्लॉग बना सकते हो। और यहाँ पर अगर आप स्टैट्स वाले ऑप्शन पर जाओ तो आपको अपना स्टैटिस्टिक्स दिख जाएगा कि कितने ऑडियंस ने आपका पेज देखा और कैसे कैसे देखा गया और कहाँ कहाँ से देखा गया, कौन सा वेब ब्राउज़र यूज़ किया गया, यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है, ठीक है। और कमेंट्स पे देखो तो आपके कमेंट्स, आपके पोस्ट में जो जो कमेंट्स हो वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। फिलहाल तो कोई कमेंट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ देयर आर नो पब्लिश्ड कमेंट्स। और इसके बाद आता है कि आप अर्न कैसे कर सकते हैं, इसे आप मनी कैसे अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अर्निंग वाले ऑप्शन पर जाएँ, यहाँ पर जो है वो आपको एडसेंस का अकाउंट यहाँ पर डालना पड़ेगा। और यहाँ पर तो अभी मेरा अकाउंट एलिजिबल नहीं है एडसेंस के लिए, तो आप देख सकते हैं कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं आप एडसेंस के लिए। अगर आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। और अगर आपको नया एक और ब्लॉग बनाना है तो यहाँ पर आप बस क्लिक कीजिए न्यू ब्लॉग पर क्लिक कीजिए, नया यहाँ पर आप क्लिक कीजिए न्यू ब्लॉग पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नया ब्लॉग बन जाएगा, उसमें आप नया नया पोस्ट कर सकते हो। फिलहाल तो मैं अपने इस ब्लॉग पर पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये जो ब्लॉग बनाया है इसका लिंक आप अपने व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो यहाँ से कॉपी करके, और बस इसी तरह से आप बना सकते हो एक अच्छा सा ब्लॉग।
तो ये था पूरा प्रोसीजर कि कैसे आप ब्लॉग बना सकते हैं, उसमें कैसे पोस्ट कर सकते हैं। आप जो ब्लॉग बनाए उसका एड्रेस मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें, मैं भी देखूंगा आपने कैसा ब्लॉग बनाया है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन टेक्समिथ को। तो थैंक यू एंड गुड बाय।